शनिवार को देवास जिला एसपी संपत उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस थाना कन्नौज क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स एवं पुलिस बल के द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य जिले में सामंजस्य बनाकर विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना है, जिसमें आम जनमानस में प्रशासन एवं पुलिस पर विश्वास बना रहे। इसके साथ ही बटालियन प्लाटून के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों, समाजसेवी संगठनों व जीवन रक्षक संस्थानों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। बटालियन द्वारा सभी क्षेत्रों का मानचित्र भी बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर इस नियंत्रण के लिए नियत स्थल पर तत्काल पहुंचने में सुविधा। रैपिड एक्शन फोर्स उप कमांडेंट पंचम लाल से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि 12 से 18 अप्रैल के लिए देवास जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में भ्रमण करना और वास्तु की स्थिति का जायजा लेना, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्र उन कस्बों का भ्रमण करना और मूल्यांकन करना, वहां किसी प्रकार का दंगा बलवा है तो उसे कम से कम समय में नियंत्रित करना। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी श्रीमूरत यादव एवं पूरा पुलिस बल मौजूद रहा। कन्नौज से संवाददाता मांगीलाल मालवी की रिपोर्ट। कन्नौत इसमें आना हुआ है, इसमें जो है हमारे कमांड बल एवं इसकी देवास के निर्देशन अनुसार जो है हम लोग यहाँ कन्नौत पहुँचे हैं और हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर जितने भी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उन जो है जगहों का भ्रमण करना और उनका मूल्यांकन करना कि भविष्य में किसी भी प्रकार का दंगा बलवा या उपद्रव होता है तो उसको कम से कम समय में हम उसको नियंत्रित कर सके और उसको जो है समाप्त किया जा सके। तो ये एक दिवसीय कार्य 12 से 18 तारीख तक के लिए जिला देवास के लिए हमारा फोर्स आया हुआ है, जिसमें हम विभिन्न थाना क्षेत्रों में देवास के भ्रमण कर रहे हैं और वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं।